हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैकेनिक दोस्त मोहम्मद रफ़ीक और ये है होंडा एक्टिवा 5G स्कूटी। तो इसका ब्रेक जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे हम आपको ब्रेक को दबाकर पहले दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं, इसका हम ब्रेक को दबा रहे हैं, ये रिलीज़ नहीं कर पा रहा है और इसका ब्रेक जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका हम ब्रेक शू चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाइक में जो प्लग पाना आता है उसकी सहायता से हम इसके केबल को खोल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको खोल लेना है। अगर आपके पास ये प्लग पाना ना हो तो उसकी जगह पे आप 14 नंबर रिंच का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर ये केबल आसानी से ना खुले तो आप चाहें तो इस पे WD-40 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास आयल है तो आप थोड़ा सा इसकी चूड़ी पर आयल डाल देंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप केबल को ब्रेक लीवर से अलग कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले इस केबल को अलग कर लेना है। अब हम इसको ड्राइवर को इसके लीवर में लगा देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लीवर है, इसके अंदर हम एक इसको ड्राइवर को लगा देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से दबा लेंगे तो इसका पहिया जो है वो जाम हो जाएगा इस साइड से। उसके बाद हम 24 नंबर रिंग पाना की सहायता से इसके पहिए को नीचे की तरफ दबा के खोलेंगे और ऊपर से कैरल को भी हम दबा के रखेंगे, यानी ऊपर से, तो इसका जो पहिया है वो घूमने नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से खोल पाएंगे। अगर आपका पहिया आसानी से ना खुले तो 17 नंबर एक रिंग पाना आपको लेना है और 17 नंबर वाला जो बोल्ट आपको टायर के ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें लगा लेना है और कैंची की तरफ ले जाकर उसे फंसा देना है। तो इस तरीके से आपका पहिया खुल जाएगा। इसका पहिया आसानी से निकल गया इसलिए हमने उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी खोल पाएंगे। अब हम पीछे की तरफ इस पहिए को पुश करेंगे, पीछे की तरफ साइड से आगे की तरफ, तो इसका पहिया आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका पहिया जो है वो आसानी से बाहर निकल गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रेक शू पे कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, पूरा ब्रेक शू पीला पीला सा नज़र आ रहा है। हम आपको करीब से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो है ब्रेक शू पूरा रस्टेड हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है रस्टेड की वजह से। तो इसका जो ब्रेक है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और ना ही ब्रेक को अच्छी तरीके से रिलीज कर पा रहा है। तो अब हम इसके ब्रेक शू को अलग कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप ब्रेक शू को अलग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्प्रिंग को निकाल लेंगे पुराने वाले ब्रेक शू से। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ASK का ब्रेक शू है और ये स्प्लेंडर प्लस के अगले वाले पहिए में लगता है, होंडा साइन के पीछे वाले पहिए में लगता है और पैशन प्रो में भी ये पीछे साइड में लगता है पहिए में और सुपर स्प्लेंडर में भी लगता है। तो इन सारी गाड़ियों में ब्रेक शू लगता है। तो आप चाहें तो जो है यूनिकॉर्न वाले ब्रेक शू को या होंडा साइन वाले ब्रेक शू को भी इस बाइक में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो एक्टिवा का ओरिजिनल ब्रेक शू भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ASK वाले ब्रेक शू को इस जो है स्कूटी में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्प्रिंग को फंसाएंगे ब्रेक शू के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं ये स्प्रिंग है हमारे हाथ में और अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको स्प्रिंग को फंसाना है ब्रेक शू में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम इसके ब्रेक शू में स्प्रिंग को फंसा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको स्प्रिंग को लगा लेना है। एक साइड में लग चुका है, अब दूसरे साइड में हम इसे आपको लगाकर दिखा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जो है ब्रेक शू में स्प्रिंग को लगा पाएंगे। तो ये अब ब्रेक शू रेडी हो चुका है, इसके अंदर स्प्रिंग लग गया है। अब हम ब्रेक शू को फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप ब्रेक शू को फिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ब्रेक शू को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये ब्रेक शू आसानी से लग जाएगा। उसके बाद हम इसके ब्रेक शू को दोनों तरफ दबाएंगे इस तरीके से और उसके बाद जो है हाथ से चेक करेंगे, अगर ये बैठा नहीं होगा तो जब आप दबाएंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। उसके बाद हम लीवर को दबाकर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ब्रेक शू अच्छी तरीके से बैठ गया है, इसी तरीके से आपको बिठा लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके ड्रम के अंदर कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, इसका ड्रम जो है पूरी तरीके से रस्टेड है, इसी की वजह से इसका पुराना वाला जो ब्रेक शू है वो ख़राब हो गया था। अब हम इसके ड्रम को पॉलिश पेपर की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो जो नया वाला हमारा ब्रेक शू है उसके ऊपर भी कार्बन लग जाएगा और उसका जो ब्रेक है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, उसका ब्रेक शू भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इसके जो रस्ट को है वो निकालना है और इसके ड्रम को साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। और अगर इसे हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेक से चूँ चूँ की आवाज़ भी आ सकती है। तो अब हम इसे कपड़े से साफ़ कर लेंगे, चूँकि हमने इसे पॉलिश पेपर से साफ़ कर दिया। अब हम इसे कपड़े की मदद से इसके जो अंदर जो धूल मिट्टी थी उसे बाहर निकाल देंगे रस्ट को। उसके बाद हम इसके पहिए को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ब्रेक शू नज़र आ रहा है और ये कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है। अब हम इसके पहिए को फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो पहिया है वो अंदर की तरफ आ गया है और जब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो शाफ्ट आपको नज़र आ रहा है उस शाफ्ट के अंदर इसके पहिए में जो होल है उसको शाफ्ट के सामने बिल्कुल ले जाके फिटिंग कर देना इस तरीके से। तो आपको पहिए को थोड़ा थोड़ा टर्न करके
जो है उसको जब आप दबाएंगे हल्का सा पुश करेंगे तो ये जो पहिया आपका है वो शाफ्ट के अंदर अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम इसके वाशर को लगा रहे हैं, उसके बाद हम इसके 24 नंबर वाले नट को लगा देंगे, तो इस तरीके से आप लगा पाएंगे। और उसके बाद जो है हम इसके पहिए को टाइट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24 नंबर स्पैनर की मदद से हम इसके पहिए को टाइट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको टाइट कर लेना है। तो फाइनली जो इसका ब्रेक वाला काम था वो कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। अब हम इसकी बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाइक पर हम जो है ब्रेक लगा रहे हैं और इसका ब्रेक अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी अब इसमें ब्रेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। इसका ब्रेक वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद।